बाद मैंने हेयर वॉश किया और मैंने कंडीशनर ले जाना ही भूल गई थी, यहीं रह गया था देखिए तो इसीलिए बाल भी इतने अच्छे से शाइन नहीं हुए आज, बट एनीवे ठीक है। हाँ सो मुझे ना एक कमेंट आया था, कि यहाँ पर जो आपके यहाँ वाइट हो रहा है यहाँ नल पे इस तरीके से, तो आप इतने अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस बनाते हैं, और उन्होंने मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो देखे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा भी बोला था कि वीडियो तो काफ़ी अच्छा है, बट ये बोला था कि ये ऐसा क्यों है। सो मैं उनको बता रही हूँ, वैसे तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था कमेंट में, बट काफ़ी लोग जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनके माइंड में भी आता होगा कि ये एरिया ऐसा क्यों है, वाइट वाइट है। सो ये मैं बता दूँ आपको कि ये ना मेरे यहाँ पे जो ना हार्ड वाटर आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है, तो इसी का स्टेन हो जाते हैं ये, और ये इतने हार्ड है देखिए आपको पास से दिखाती हूँ, तो आप इस तरीके से भी निकालोगे ना चक्कू से भी ये तो भी नहीं निकलते हैं, ये इतने हार्ड है। और ये चीज़ हर जगह है, मतलब बाथरूम में भी इसी तरीके से हुए हैं और यहाँ भी और नल के आसपास भी है, तो मैं हर चीज़ को क्लीन करती रहती हूँ, और जब मैं आई थी ना तो ये इस वाले एरिया में भी बहुत सारे थे, और अभी भी देख सकते हो आप थोड़े बहुत हैं यहाँ पर, बट जितना हो सका उतना मैंने क्लीन कर दिया, और बाथरूम में तो बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा, उसको तो बैठ के लिटरली मैंने चक्कू से निकाले हैं घिस घिस के। तो थोड़ी सी बात करनी थी आपसे, इसको पहले मैं कैमरा को स्टैंड पे लगा दी। और भी कुछ कुछ कमेंट्स आते रहते हैं, जैसे कि एक लेडी ने बोला था कि आपके ब्लॉग देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपनी लाइफ को उससे रिलेट करती हूँ, और उनको ना हिंदी नहीं आती फिर भी मेरे ब्लॉग देखती है, तो ये बात सुन के तो मुझे थोड़ी सी पहले हंसी आई, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनको थैंक यू बोला, और उन्होंने बोला कि आप अपना किचन वगैरह बहुत क्लीन रखते हो, मैंने कहा हाँ मेंटेन रखना पड़ता है, बट वो उतना जो पोर्शन है ना उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, बट मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ उसके लिए। सो वो लेडी ने कहा मुझे हिंदी नहीं आती है और मैं फिर भी आपके ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कुछ ऐसा भी बोला मुझे कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह को रिव्यू करो ये वो, तो मैंने बोला हाँ ठीक है फ्यूचर में करूँगी, ट्राई करूँगी। और एक और लेडी का कमेंट आया था, बता दूँ उनका नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगी, बट उनका बहुत ही हार्श कमेंट आया, और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट किसी ने किया है, अदरवाइज मुझे नहीं आते हैं, अभी 2 साल ऑलमोस्ट हो गए मुझे यूट्यूब पर, मेरे दूसरे चैनल्स भी हैं, तो कभी ऐसा कोई कमेंट नहीं आया। हाँ एक बार आया था आई थिंक थोड़े टाइम पहले, और वो क्या आया था कि मैं जो है ना अच्छे अच्छे कमेंट्स के ही रिप्लाई करती हूँ और नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं उनके रिप्लाईज नहीं करती हूँ। सो ऑब्वियसली बात है कौन नेगेटिव लोगों को रिप्लाई करना चाहेगा, ऑब्वियसली बात मैं तो बिल्कुल दूर रहती हूँ ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं जो बुराइयाँ करते रहते हैं लोगों की, और उनको कुछ अच्छा दिखता नहीं किसी की लाइफ में, बस बुराइयाँ करनी है, तो मैं उन लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं ऐसे लोगों के आसपास रहना। तो YouTube में आपके पास ये अच्छा ऑप्शन है, आप ऐसे लोगों को रिपोर्ट भी कर सकते हो, ब्लॉग भी कर सकते हो, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन को भी ऑफ कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं नहीं करती हूँ ये सब, मैंने कहा जैसे वो जो कमेंट करना है करते रहो, क्योंकि आप सोशल साइट पे हो तो ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको और अच्छे लोग भी मिलेंगे, तो अच्छे लोग अप्रिशिएट करो, मैं तो वही करती हूँ बस, और बुरे लोगों का कमेंट मैं या तो आंसर ही नहीं करती या डिलीट कर देती हूँ, वैसे ही करती हूँ, ज़्यादा हेडेक लेने का नहीं ऐसे फालतू लोगों का, बहुत है दुनिया में और हर जगह मिल जाएंगे, हर फील्ड में मिल जाएंगे, आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो वहाँ भी ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे ही ऐसे लोग हैं, हर जगह हैं, तो ये ऐसा ऐसा होता रहता है। एनीवे हाँ तो मैं बता रही थी एक हार्श कमेंट बहुत ज़्यादा आया था एक लेडी का, और वो क्या बोल रही थी कि मैंने जो किचन क्लीनिंग का जो वीडियो बनाया है ना उसके ऊपर वो कमेंट आया था, वो लिख रही थी कि आप किचन मेकओवर का मेकओवर या मेंटेनेंस ऐसे कुछ वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, क्या था पहले आप खुद को तो कर लें, तो मैं उनसे बोलना चाह रही हूँ कि आप जब किचन में सफाई करती हैं तो आप कैसे मेकअप करके नए नए कपड़े पहन के ऐसा करती हैं क्या, और करती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, मैं तो नहीं करती हूँ, मैं तो जैसे अपने रेगुलर रहती हूँ वैसे ही करती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मैं ठीक ठाक ही रहती हूँ घर में जैसे भी रहती हूँ, फुल ऑन मेकअप और नए नए कपड़े पहन के मैं तो किचन की क्लीनिंग नहीं कर सकती हूँ, तो वैसे मैंने उनको आंसर कर दिया था उन्हीं की कमेंट में, बट फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ किसी ने ऐसे मुझे कमेंट किया, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने अपने आप को शांत किया और फिर मैंने उनको रिप्लाई किया। सो ये है अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, बट मैं अच्छे लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और उन्हीं का ज़्यादा रिप्लाई करना प्रेफर करती हूँ, बाकी बुरे लोगों से मैं दूर रहती हूँ और उनको तुरंत जवाब दे देती हूँ, एंटरटेन करने की जरूरत ही नहीं ऐसे लोगों को। मैंने बहुत बातें हो गई और अब चलिए बना लेते हैं खाना, कुछ आज के वीडियो में थोड़े से कमेंट्स जो आए उनको भी रिप्लाई कर दिया जाए कुछ कुछ, और कुछ कुछ तो बहुत ही प्यारे कमेंट आते हैं, सो आप भी मुझे कमेंट करें फ्रेंड्स, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बट वो ये नेगेटिविटी ना फैलाएं कमेंट सेक्शन में, और वैसे भी आजकल कम्युनिटी गाइडलाइन जितने स्ट्रिक हो गए आप फालतू कमेंट वैसे भी नहीं कर सकते हो किसी कमेंट सेक्शन में जाके, और रिपोर्ट्स वगैरह हो गए तो अलग बात है। सो चलिए बनाते हैं खाना, और मैं ना काउंटर टॉप पर बैठ गई हूँ चढ़ के, कोई खाना
बात करना था ना, इसलिए मैं सोचा यहीं बैठ जाती हूँ, फिर बात करके फिर स्टार्ट करूँगी अपना बनाना। तो ये है आज का प्लान। तो ऐसे सब थोड़ी देर के लिए अपसेट हो जाता है माइंड ऐसे सब पढ़ के। सही, चलिए छोड़े फालतू लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देने का, ज़्यादा सोचने का नहीं उस बारे में। चलते हैं और बनाते हैं खाना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सेम की सब्जी बनाऊँगी, सोचू सेम की सब्जी दाल और ये सब बनाऊँ। तो लंच हमारा हो गया है रेडी। राइस, सेम की सब्जी, टमाटर मैंने कट लिया। सैलेड में आज कुकुम्बर नहीं था तो पापड़ और चोखा दाल, बस यही था। और ये कुछ सामान था जो मैं नहीं खा रही थी, मैंने सोचा नीचे दे दिया जाए, कुछ सफाई करने वाले लोग आए थे उनको। तो ये नमकीन, केला और ऐसे सब सामान है। और गोवा से कुछ स्वीट लाए तो अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा वो भी दे देती हूँ। सो यही था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। वीडियो को करूँगी मैं एंड और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।